ना ना। तो जब आप 20 साल पहले आते तो आपकी सैलरी कितनी थी? 500 थी। और अभी 500 गैस चावल, 500 सैलरी और गैस चावल। और अभी कितनी है? 1150। बस साहब, आज तो नाश्ता करेंगे सऊदियों के खेमा में। ये देखिए कितना बेहतरीन बना रखे लोग, सर्दियों में लगा कर रखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इब्राहिम सऊदी अरबिया से। है फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि कल वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैं बताया था कि हम लोग गए थे एक जगह पे, वहाँ पे बंदा था, उसको नेटवर्क नहीं मिला। तो ऐसी जगह हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। फिर से आज हम लोग जा रहे हैं, एक नई जगह पे जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि कल जहाँ पे कल हम लोग गए थे वो एक मुदीर के रिश्तेदार का वो मजरा था, तो उसमें कुछ है नहीं। लेकिन उन्होंने फिर फ़ोन कर करके बार बार तंग कर दिया, नहीं देखो देखो। हम लोग बोले चलो है नहीं है, उसको बांध देते हैं, बात ख़त्म। तो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं उधर आज काम पे। फिर जहाँ पे कल गए थे वहीं पे फिर देखते हैं, अगर जो टाइम मिलता है तो वहाँ से किसी दूसरी जगह जाएंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं जैसे कि। और ये देखिए सुबह सुबह का कुछ नज़ारा है। Do you wanna come round now? Stay around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my? तो हम लोग जो डेली नाश्ता ले रहे थे उसको आज कैंसिल कर दिया। आज दूसरा नाश्ता लेने वाले हैं आज दूसरी जगह से। तो आप लोग को दिखाता हूँ क्या लेने वाला हूँ, उसके बाद चलते हैं काम पे। तो अभी हम लोग जहाँ पे नाश्ता लेने आए हैं बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ पे दाल तमीज मिलती है और कई तरीके की रोटी मिलती है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए इतनी बड़ी रोटी है और इधर दाल है, पराठा लगा है, इधर आलू का पराठा बन रहा है। अभी तंदूर ऐसी भाई बना रहे हैं, तो फैसल भाई ले रहे इधर रोटी, मैं चल रहा हूँ चाय ले लेता हूँ क्योंकि ड्यूटी भी जाना है फटाफट। तो अभी निकलता हूँ चाय लेने के लिए। और सुबह सुबह इधर सब लोग नाश्ता वगैरह करने के लिए आते हैं ये एरिया, इसीलिए ये सब होटल वगैरह है। लोग नाश्ता करके इधर इधर से अपने काम पे चले जाते हैं। मैं भी चलता हूँ, देखो ये भाई बाल्टी उल्टी लेके जा रहे, लग रहा है चिन्हाई का काम करते हैं। ये सब गाड़ी वगैरह खड़ी है इसीलिए। अभी होटल के अंदर भी बहुत सारे बंदे होंगे नाश्ता कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। चाय दे दो, इसमें 3 चाय इसमें डाल दो। अब नाश्ता वास्ता ले लिए हम लोग, निकल चुके हैं मजरे के लिए। ये हरियाली देखिए माशाल्लाह सऊदी अरब में। And then you let the hole shot me in the late night, bleeding on the brain side, running with the heart you stole. मुझे एक चीज़ सऊदी अरब में सबसे बेहतरीन लगती है, वो है उनका खेमा। ठंडियों में अक्सर लगा देते हैं लोग, क्योंकि इसमें ठंडी नहीं लगती है। इसमें इस कपड़े की ये क्वालिटी है कि इसमें अंदर ठंडी नहीं जाती है। तो इसमें ये लोग आते हैं, चाय कावा बनाते हैं। और इनका ये बहुत पुराना सिस्टम है, ये एक ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। देख रहे ये आग जलाने के लिए लकड़ी, इसमें आग जला लेंगे और फिर इसमें लोग बैठेंगे। इसमें सब सिस्टम है मोबाइल वोबाइल चार्ज करने का। और हम लोग अभी नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह का टाइम हो और ऐसा नाश्ता हो और साथ में जंगल हो, क्या बात है। दादा अभी भी अब्दुल्ला जनाबर सऊदी या सदीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वास्ता कर लिए हम लोग, वापस से आ गए ड्यूटी पर। और जहाँ पे कल आए थे वहीं पर आए, जैसे कि मैंने रास्ते में आपको बताया था ही। और चाचा एक मिले थे, उनको 20 साल हो गया यार। मैं उन लोगों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार इतना तो मुझे भी हो गया। इसी तरीके से देखते देखते एक दिन 20 साल मुझे भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। परदेश की लाइफ ऐसी है, पूछिए मत। हालांकि बुढ़े हो गए हैं, दाढ़ी बाल सब पक गया है, लेकिन क्या करें। हम लोग आ गए हैं इधर इलाज करने के लिए। नींबू का पेड़ आप लोग को दिखाता हूँ। और इसमें भी एक चाचा है यार, उनको भी हो गया 20 साल इसी मजरे में। माशा अल्लाह वसीम भाई, ये भर लो। क्या करेंगे? अरे भर लो जेब। ये नींबू सब खराब है, आ तो रहा है इतना सारा लेकिन काम का नहीं है। तो अब यहीं पे 20 साल से इसी मजरे में। और बंदे पुराने हैं या आप ही सबसे पुराने हैं? नहीं, सबसे पुराने हम हैं।
बाकी वह 5 साल 8 साल 5 साल 8 साल 10 साल हो गए सबको। ये नहीं लगा था ये वाला, ये कुछ भी पेड़ नहीं था इसमें, ये इधर जितना भी बड़ा था इस तरफ थोड़ा बड़ा था। कितना पेड़ था जब आप आए थे? तो 150 था। 20 साल बहुत होता है उस टाइम पे, तो हम लोग छोटे छोटे खेल लेंगे किसी गली कूचे में। 19 साल पूरा हो गया। 19 हो गया होगा। क्रूज कब तक जाने का इरादा है? क्रूज नहाई कब जाएंगे? इंशाल्लाह आखिरी है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है ना, तो आप इसी में रह गया तो आप लोगों को तो मौका भी नहीं मिलता होगा कहीं घूमने उमने जाने का। 20 साल हो गया तो कहीं गए घूमने उमने? बस वही छुट्टी जाना होता तो वही छुट्टी मिलता चार, फिर मैंने चार हजार और उम्रा उम्रा करने, बस उम्रा करने। हाँ अगले रमजान में गया तो इसी तरीके से चलता रहा सिलसिला 20 साल तक। कपिल एक जगह, एक रूम, एक काम भी, क्योंकि ये चाचा है ये फंटा ढोके लेके जा रहे हैं जो हम लोग अभी कटिंग किए हैं। 20 साल से सोचिए इसमें है, वो जब वो आए थे तो ये पेड़ वगैरह कुछ था नहीं इसमें, इधर का जितना है सब इन्होंने लगाया है, इनके हाथ का सब लगा हुआ पेड़ है। 20 साल बहुत बड़ा एक 20 साल बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें काम यही सब रहता है, जैसे मजरे में थावला बनाना, काम तो यही रहता है ना, जैसे मजरे में थावला बनाना, थावला बनाना, काटा निकालना, बस और थावला बनाओ, काटा निकालो, बकरी का काम है, पानी चलाओ, पानी चलाओ, घास काट के बकरी खवाओ, घास काट रहे हैं, घास काट रहे हैं, खजूर का टाइम आएगा उसमें लग्गा लगाना, खजूर किस बांधना है, खजूर करना, छाटना है, बनाना। तो जब आप 20 साल पहले आते तो आपकी सैलरी कितनी थी? 500 थी, और अभी 500 गैस चावल, 500 सैलरी और गैस चावल, और अभी कितनी है? 1150 बस। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, नहीं मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आप झूठ बोलेंगे, मुझे पता है कि आप हमसे थोड़ी झूठ बोलेंगे या हम आपसे नहीं झूठ बोलेंगे, हम लोग तो आपस में हैं, आपस के हैं, वही इसलिए पूछ रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना दिन हो गया तो इतना सारा काम इसमें है, 7 आदमी उससे मतलब नहीं है, लेकिन नए पुराने से फर्क पड़ता है ना, कबूतर काम भी इसी का ही है ना, ये जो हाथ है ना इसका, इसका कबूतर का काम और बकरी का भी। हाँ मेहनत कुल मिला जुला के मेहनत बहुत है, सैलरी नहीं है, सुबह से शाम तक 5:30 बज जाता है। तो देखा आप लोगों ने, चाचा से मैंने बात किया, चाचा ने इस मजरे में पूरी अपनी जवानी को त्याग दिया और सैलरी उनकी 1150 से 1150 रह गई, 500 पे आए थे और 19 साल 20 साल तकरीबन हो गया उनको इस मजरे में यही रहता है। लेकिन जैसे किसी किसी की ज़्यादा भी है, ऐसा नहीं है कि सबकी बराबर सैलरी है, सऊदी के ऊपर है कि बढ़ा देता है। इसमें 7 लोग काम करने वाले हैं और चाचा ही सबसे पहले आए थे, जब आए थे तो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन उस लिहाज से उसको सोचना चाहिए था कि थोड़ा बहुत सैलरी तो बढ़ानी चाहिए थी। अब 1150 रियाल का कितना बनेगा अगर जो खाना वाना इंसान खा लेता है, तो आजकल इतना महंगाई है क्योंकि टाइम दूसरा आ गया, पहले थोड़ा कम खर्चा आता था, अभी 400 रियाल मैक्सिमम नेट खर्चा लेके कम से कम में आदमी में 300 रुपये खा जाता है। क्या चीज़ चाचा? हाँ तो उसमें से कितना बचता होगा आप सोच लीजिए, हर किसी की कोई ना कोई जैसे मजबूरी होती है रहना, जैसे हम लोग हैं, कोई अपने शौक़ से तो परदेश आता नहीं है, कोई ना कोई सपना दिल में मन में अरमान जगा हुआ रहता है कि चलेंगे सऊदी इसे करेंगे, तो जिसका अलहमदुलिल्लाह ठीक है उनका तो ठीक ही है। अब चाचा का मैं ये सुनता हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, देखो 20 साल कितना होता है, मैं तो उस टाइम पे कितना छोटा रहूँगा 20 साल पहले, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती कि आप मजरे में अगर जो 20 साल हो, देखो आप किसी अच्छी कंपनी में हो तो 10 साल 5 साल में जाओगे तो कुछ आपको बोनस वगैरह मिल जाएगा, और मजरे में तुम बुढ़े हो जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई बोनस वगैरह नहीं रहता। हाँ अगर जो आपका सऊदी अच्छा है तो घर जा रहे तो कुछ पैसा वैसा दे देते हैं, बहुत से सऊदी ऐसे हैं कि लड़की की शादी उदी रहती है तो जेवर दे देते हैं, तो इसके लिए कंपनी ही सही है। और मजरे में अगर जो जानने वाला है वीजा दे रहा है तो उसके लिए बेस्ट है। लोग को एंड करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर। फिर मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।